पॉलिटिक्स शेर की सवारी है, एक बार उतर गए तो जान से भी हाथ धो बैठे। इस घर में अगर मेरे अलावा कोई लीडर बनेगा तो वो सिर्फ तुम हो। आई बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे हैं।
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे। बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी ज़िंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुन का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुन अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है,
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। ओटीटी Zee5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है, सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुख का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुख अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुन का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी ज़िंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुन अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुन का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी ज़िंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुन अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए। कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है, सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे। बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए। कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है, सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुन का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुन अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है,
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। ओटीटी Zee5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है,
सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे। बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए। कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियां दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे। बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए। कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं।
बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। ओटीटी Zee5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियां दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से गढ़कर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। ओटीटी Zee5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियां दिखाती जाती है।
शाहरुख का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुख अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाहरुख अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाहरुख अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाहरुख को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाहरुख की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाहरुख की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाहरुख की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुख का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुख अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाहरुख अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर
सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। ओटीटी Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। ओटीटी Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं
लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी ज़िंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी ज़िंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर
सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुन का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुन अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है।
यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है, मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियां दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। ओटीटी Zee5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है, मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियां दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन
35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है, सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियां दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है, सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है,
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है, सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले दो सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं, यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है,
जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है, यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा, पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है, बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया, वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है, जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। यूं तो उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में जेपी आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के दो बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाह हारून का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाह हारून अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे,
बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं। बाहुबली राजनेता के जीवन से प्रेरित है फिल्म रंगबाज डर की राजनीति की कहानी। संकेतों को समझेंगे तो चौंक जाएंगे। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में और वेब सीरीज एंटरटेनमेंट की नई धारा है। सच बता भी दिया और छुपा भी लिया। वेब सीरीज रंगबाज इसी तरह से सामने आती रही है। OTT Z5 पर रिलीज हुआ तीसरा सीजन भी बिहार की राजनीति का एक ऐसा ही अध्याय सामने आता है जिसमें राज्य की राजनीति और एक नेता की कहानी सामने आती है, जो बताती है कि एक राजनीतिक दल से जुड़ा बाहुबली सांसद कैसे एक छोटे इलाके से निकलकर संसद भवन तक पहुंचता है। लेकिन कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है, बात रियल के काल्पनिक हो जाती है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और राजनीतिक संकेतों को समझते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं है तब भी आप अपराध और राजनीतिक के गठजोड़ की कहानी के रूप में इसे देख सकते हैं। यह सीरीज बोर नहीं करेगी। रंगबाज डर की राजनीतिक बिहार के सांसद शाह हारून अली बेग की कहानी है। युद्ध उस पर 20 साल में 34 केस थानों में दर्ज हुए, लेकिन किसी मामले में ऐसा गवाह नहीं है कि सिस्टम उसे अंदर कर सके। किसी दौर में JP आंदोलन की राजनीति से उभरे राज्य की सत्ता के 2 बड़े शातिर नेताओं लखन राय और मुकुल कुमार में शाह हारून को लेकर मनमुटाव है, मगर राजनीति के लिए दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक केस में शाह हारून की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या है यह केस, कैसे वह शाह हारून की जिंदगी को तबाह करता है, यह कहानी में सामने आता है। मगर इस सब के बीच कहानी कभी फ्लैशबैक में और कभी प्रेजेंट में आती हुई शाह हारून की जिंदगी की झलकियाँ दिखाती जाती है। शाहरुख का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिंदगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुश्मन, उसका रॉबिनहुड अंदाज और उसकी दबंगे, सब कुछ एक एक करके सामने आता है। निर्देशक यहाँ जब एक चुनावी भाषण में शाहरुख अली बेग के पीछे लगे हुए वीर शाहबू मत घबराना तेरे पीछे सारा जमाना बैनर टांग दिखाते हैं तो वह साफ संकेत देते हैं कि किस बाहुबली राजनेता की कहानी कर रहे हैं। जेल में बंद शाह हारून अली बेग अपनी बीवी सना अली बेग से राजनीति के बारे में कहता है, यह जंगल है, सब यहाँ अपने शिकार की तलाश में बैठे, बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। बैग भी उतनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाता और खुद को बचाता है। यहाँ तक कि कोर्ट का फैसला भी उसकी रिहाई के हक में आता है। अच्छी बात यह है कि निर्माताओं ने रंगबाज डर की राजनीति के तीसरे सीजन को जबरदस्ती नहीं खींचा। पूरी कहानी को औसतन 35-35 मिनट की 6 कड़ियों में समेट दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कंटेंट पहले नहीं आया, मगर जिस बाहुबली नेता की कहानी की तरफ संकेत करते हुए रंगबाज बढ़ती है, आप उसे देखना समझना चाहते हैं तो यह सीरीज निराश नहीं करेगी। बैग की भूमिका में विनीत कुमार अच्छे लगे हैं, हालांकि क्रूरता उनके चेहरे पर देर तक ठहर नहीं पाती। जिस बाहुबली से यह कहानी प्रेरित है उसकी क्रूरता बहुत मशहूर रही है। लेखकों निर्देशकों ने सच्ची घटनाओं से यहाँ प्रेरणा जरूर ली है, लेकिन कुछ किरदार अपनी तरह से घटकर सीरीज को सहज बनाने की कोशिश की। सीरीज के ट्रीटमेंट में कहीं इस बात पर जोर नहीं है कि रियल को रियल माना जाए, कोशिश यही है कि रियल से प्रेरित चीजें फिक्शन नजर आए। बैग की रिहाई पर कोर्ट के फैसले पर पुलिस प्रमुख राघव कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री कहता है कि कुछ राजनीतिक विवशताएं होती है, यही विवशता इस सीरीज की भी है। बावजूद इसके यह देखना योग्य है सभी कलाकारों ने अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभाई है। अगर आप रंगबाज के पिछले 2 सीजन देख चुके हैं तो उसके फ्लेवर के परिचित होंगे और तीसरा सीजन भी आपको संतुष्ट करेगा। अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं देखी है तो इसे देख सकते हैं।